यूटेरोमाइसिट्स, इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। यस, तो अगर इसका माइसिलियम आप देखोगे, सेपरेट है बीच में और ब्रांच भी है। इसका साप्टिस्ट के बीच में पोर नहीं है बिल्कुल भी, ना ही न्यूक्लियस ट्रांसफर हो सकता है, ना ही साइटोप्लाज्म ट्रांसफर हो सकता है। ओके, अगर ये देखोगे आप कि क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, नो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से एब्सेंट है। एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, यस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, कॉनिडिया बनाते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनाते हैं, कॉनिडिया बनाते हैं। कॉनिडिया हमेशा कैसे बनते हैं, एक्सोजीनसली बनते हैं, माइसीलियम बॉडी के बाहर बनेंगे, माइसीलियम से बाहर बनते हैं, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस कॉनिडिया, कॉनिडिया प्रोड्यूस करते हैं ये। ठीक है, सिंपल है, और इसमें बाकी कुछ आपको नहीं पढ़ना है। ये किस में हो रहा है, फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में होगा, फेवरेबल कंडीशन में होगा। ठीक है, तीन एग्जाम्पल इसके लर्न करने हैं, टैग से लर्न करने हैं। ट्राइकोडर्मा, जो कि स्किन पे रिंग वॉर्म कॉज करता है, ट्राइकोडर्मा। ऑल्टरनेरिया, ठीक है, ट्रैश को क्लीन करने के लिए काम आता है, कहीं पे कूड़ा इकट्ठा हो गया ट्रैश को, ये वाला फंगस ऑल्टरनेरिया कन्वर्ट करता है, ऑल्टर करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंड कोलेस्ट्रीडियम, तो थ्री इसके एग्जाम्पल है, टैग से लर्न करना है, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, कोलेस्ट्रीडियम, ठीक है, ऑल्टरनेरिया। क्लियर, तो ये आपको एग्जाम्पल्स इसमें सारे कवर हो गए। That means is phycomycetes, basidiomycetes, ischomycetes, okay, and deuteromycetes. सारे complete हो गए with examples, with उसके characteristic feature. Hopefully ये video आपके लिए बहुत beneficial रहेगा, कि अगर आपके सारे doubts clear हुए हैं तो like, share and subscribe जरूर करें, and can be take a screenshot also. Okay, तो ये notes आपके prepare हो जाएंगे, जो कि बाद में आपके बहुत benefit रहेंगे। यस, अब फंगस की इस फोर कैटेगरीज में इनका डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स के बिहाव पे यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है, करे हुआ है बेटा। ये आपका बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है एंड नीट में भी क्वेश्चन, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। माइसीलियम, माइसीलियम आपको पता है, दिस वन इज द हाइफी। ठीक है, माइसीलियम कैसा होगा, माइसीलियम एसेप्टेट है, सेप्टेट है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था फाइकोमाइसीट्स में माइसीलियम इज द एसेप्टेट, माइसीलियम इज द एसेप्टेट। एसेप्टेट के साथ साथ माइसीलियम क्वानोसाइटिक था, मल्टी सेलुलर एंड क्वानोसाइटिक, क्वानोसाइटिक। एसेप्टेट में भी ब्रांच और अनब्रांच, ओके, इसमें भी ब्रांच और अनब्रांच, क्लियर। एस्कोमाइसीट्स में सेप्टेट है, इन एस्कोमाइसीट सेप्टेट ब्रांच्ड, ओके, एंड सिंगल न्यूक्लिएटेड। यहां पे सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, और एक स्पेशल फीचर प्रेजेंट है, डोली पोर, थोड़े बड़े बड़े पोर हैं बीच में सेप्टम के। सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, एंड बीच में थोड़े थोड़े बड़े पोर है, जिनको डोली पोर कहा जाता है। डोली पोर इज ओनली प्रेजेंट इन अ बेसिडोमाइसिस, क्लियर। तो यहाँ पे डोली पोर प्रेजेंट है, डोली पोर कहा जाता है इनको, बड़े बड़े पोर्स को। ड्यूटेरोमाइसिट्स में सेप्टेट है, ब्रांच है, ड्यूटेरोमाइसिट भी सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, ओके, यस। नेक्स्ट हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें फाइकोमाइसीट्स में, फाइकोमाइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। ठीक है, एक तो जू स्पोर एंड एप्लैनोस्पोर, जू स्पोर एंड एप्लैनोस्पोर, ये हम देख चुके हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एस्कोमाइसीट्स में किस टाइप के स्पोर बनते हैं, एस्कोस्पोर, यस, एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर। यहाँ पे बताओगे बेसिडोमाइसिट में, सिंपल है, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनते हैं, दीज आर, यस, जूस्पोर, यस, जूस्पोर एंड हेयर, सॉरी, कॉनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर इज अ कॉनिडिया, ओके, यहाँ पे कॉनिडिया आना चाहिए, एसेक्सुअल स्पोर कॉनिडिया बनते हैं। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं, एब्सेंट है ना, क्योंकि दो माइसीलियम में न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाता था हमने देखा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही परफॉर्म होता है, बेसिडियोमाइसीट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी कॉनिडिया बनते हैं, कॉनिडिया,
हेयर ऑल्सो फॉर्म अ कॉनिडिया. क्लियर. ये जूस्पोर कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कॉनिडिया कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है. जूस्पोर एप्लानोस्पोर एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं. क्लियर. यहां पढ़ा था हमने कि एक स्पोरेंजियम बन जाता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इनसाइड फॉर्मेशन हो रहा है. दिस वन इज एंडोजीनसली, दिस वन ए सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोजीनसली, एंडोजीनसली. ओके. एंड हियर दिस वन कॉनिडिया कैसे बनते हैं, बाहर बाहर फॉर्मेशन होता है कॉनिडिया का, ये है माइसीलियम, देन कॉनिडिया ऐसे बन जाते हैं एक्सोजीनियसली. कॉनिडिया प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोजीनियसली, तो यहाँ तो एब्सेंट है, एब्सेंट. यहाँ पे भी कॉनिडिया बन रहे हैं, तो कॉनिडिया इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोजीनियसली. क्लियर. इसके बाद सेक्सुअल स्पोर की बात होगी. सेक्सुअल स्पोर यहाँ पे जो बनते हैं फाइकोमाइसिट्स में इज कॉल्ड अ ऊ स्पोर, इसको कहा जाता है ऊ स्पोर. यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर बनते हैं इज कॉल्ड अ ऊ स्पोर्स. यहाँ पे एस्को स्पोर्स, यहाँ पे बेसिडियो स्पोर्स. ओके. यहाँ पे एब्सेंट है, ड्यूटेरोमाइसिट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है. बेसिडोमाइसिट्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. फ्रूटनिंग बॉडी, फ्रूटनिंग बॉडी हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनती है बच्चों, ठीक है. तो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी जो बनती है इज ऊकार्प. ओके. यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी दिस वन इज कॉल्ड अ ऊकार्प, ऊकार्पस या कार्प. एंड हेयर फॉर्म एस्कोकार्प. ओके. यहाँ पे एस्कोकार्प बनता है, यहाँ पे बेसिडियो कार्प बनता है, बेसिडियो कार्प. यहाँ पे बनेगा ही नहीं क्योंकि नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, तो ये ऊपर की फ्रूटिंग बॉडी भी नहीं बनेगी. क्लियर. चलो एग्जांपल देखेंगे. इसका एग्जांपल मैंने आपको लर्न करवाया था बच्चों राम के नाम से, दैट मींस राइजोपस, राइजोपस एंड ए फॉर एल्ब्यूगो, मस्टर्ड पे सर्वाइव करने वाला पैरासाइट फंगी इज कॉल्ड एल्ब्यूगो. ओके. एम फॉर म्यूकर, ब्लैक फंगस इज अ म्यूकर. ये बहुत पिछले वैरायटी के फंगस हैं. राइजोपस इज कॉल्ड अ ब्रेड मोल्ड. ओके. यहाँ पे आ जाओगे एस्कोमाइसीट्स में, बहुत सारा मैंने आपको बताया था एस्कोमाइसीट्स के बारे में. सैक कहा जाता है इसको, पेनिसिलिन इसी वैरायटी की है बेटा, है ना. तो पेनिसिलिन आपको लर्न करवाया था मैंने, एंड ईस्ट लर्न करवाया था, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर. ओके. इसके बाद एक्ने से लर्न करवाए थे कुछ एग्जाम्पल, एस्परजिलस, एस्परजिलस एंड सी फॉर क्लैबीसेप्स, क्लैबीसेप्स एंड एन ई फॉर न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा. ओके. बेसिडोमाइसीट्स में हमारे पास है मशरूम यानी अगैरिकस, अगैरिकस, अगैरिकस हो जाएगा एक एग्जाम्पल. नेक्स्ट है रस्ट कॉज करने वाले के, ब्लैक रस्ट एंड रेड रस्ट कॉज करने वाले ब्लैक फंगस, एंड दिस वन इज अ प्यूसिनिया जो रेड रस्ट कॉज कर देता है, प्यूसिनिया. एंड ब्लैक रस्ट कॉज करता है आपका अस्टीलैगो, अस्टीलैगो. तो ये आपको लर्न करें. ड्यूटेरोमाइसिट्स के तीन एग्जाम्पल थे, टैक्स से लर्न करवाया था मैंने आपको, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ए फॉर ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया, सी फॉर कोलेस्ट्रीडियम, फ्रीडियम, कोलेस्ट्रीडियम, ठीक है. तो ये सारे डिफरेंसेस हैं जो आपको बोर्ड के एग्जाम में भी मिल सकते हैं और नीट में भी इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके. तो ओवरऑल हमारा फंजाई कंप्लीट हो चुका है. इससे रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, कोई भी डाउट है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं. और अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक.